हेलो सर, माय नेम इज डिएगो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको मजीद HD वीडियो मिल सके। ट्यूटोरियल की इंफॉर्मेशन अली सर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू DMM स्टूडियो यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अली, और क्रिकेट 2007 कंप्लीट पैच मेकिंग कोर्स के लेसन नंबर 23 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सो फ्रेंड, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बैटिंग लाइनअप ऑर्डर पर वर्क किया था दोनों मेथड से। पहला मेथड था प्लेयर एडिटर की मदद से, और सेकंड मेथड था लाइनअप एडिटर की मदद से। तो दोनों हमने वर्क किया दोनों पर, दोनों सॉफ्टवेयर पर, और सीखा भी, और अच्छी तरह से मैंने आपको वर्क करके भी दिखाया था। आई होप कि आपने उसको अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। सो फ्रेंड, आज का जो ट्यूटोरियल है वो मेन पार्ट है गेम का। मोस्टली वो यूज़ होता है, मोस्टली क्या, ज़्यादातर जो पैच में करते हैं ये तो वो चीज़ है, जैसे आप बोल सकते हो, मैंने कई बार बताया कि कुछ फाइलें ऐसी हैं गेम के अंदर जो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, ब्रेन होता है गेम का। तो ये जो फाइल आज हमने एडिट करनी है ये ब्रेन है, और बहुत ही इजीली एडिट की जा सकती है, बट मोस्टली उसमें एरर भी आता है। तो वो फाइल कौन सी है, वो है इंग्लिश फाइल। अब इंग्लिश फाइल क्या है, इंग्लिश फाइल वो चीज़ है जो क्रिकेट के अंदर जितना भी टेक्स्ट यूज़ होता है ना, मीन जितना भी ज़्यादा टेक्स्ट इसमें यूज़ होता है, मैं आपको गेम ही प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट पर आप देख रहे होंगे 2006 इलेक्ट्रॉनिक आर्ट INC ऑल कॉपीराइट रिजर्व, ठीक है। ये टेक्स्ट जो इसको किस तरह से रिप्लेस करके अपने चैनल का नाम, अपना नाम, या गेम का नाम, या कुछ भी जो भी पैच है उसका नाम आप यहाँ पे कैसे डाल सकते हो। उसके अलावा जो आप नज़र आ रहा है, ये देखें ब्लिपिंग कर रहा है एक टेक्स्ट, क्लिक टू कंटिन्यू, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा एक फाइल में मिलेगा, और वो है इंग्लिश फाइल। अगर मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ये देखें कंटिन्यू और लोड कंप्लीट, ये भी, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये वार्निंग, डू यू वांट टू सेव योर प्रोफाइल, ये भी, ये यस, ये कंटिन्यू विदाउट, ये सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जितना भी प्ले नाउ, गेम मूड्स, द एशिया, क्रिएट प्लेयर, माई क्रिकेट, EA स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा, ये सारे जितना भी टैक्स है ये सारे के सारे हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर गेम मोड में जाते हैं तो ये देखें इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, नेट, ये सारे के सारे हम इसको इजीली हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पैच मेक कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की, बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आज इनका इस जगह पर नाम देगा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2017, इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी नाम चेंज करूंगा, वनडे डोमेस्टिक सीरीज़ की जगह पर मैं लिख दूंगा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वनडे सीरीज़, और प्योरो कप की जगह पर मैं यहाँ पर डाल दूंगा पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़, इस तरह से मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है। ये भी हम चेंज करेंगे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ डोमेस्टिक के अंदर, ये भी चेंज करेंगे, वनडे डोमेस्टिक सीरीज़ की जगह हमने क्या लिखना है, सॉरी, इसकी जगह पे हमने वही ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे डालना है, ठीक है। सेटिंग ये सारे हमने अब टेक्स्ट चेंज करते हैं करने, ये भी हम शेड्यूल, वन डे मैच, ये सारा हम एडिट कर सकते हैं सिर्फ एक फाइल की मदद से, और वो है इंग्लिश फाइल। इजीली आपको मिल जाएगी आपकी फ्रेश लिस्ट में। तो मैं यहाँ से मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ठीक है। मैं नोट पैड को ऑन करता हूँ। सो फ्रेंड, लेसन नंबर 23, हाउ टू एडिट परफेक्ट इंग्लिश फाइल, इट्स कंटेंट टेक्स्ट विच इज़ यूज इन क्रिकेट 07 PC गेम लाइक प्ले, अभी मैंने आपको बताया प्ले नाउ, गेम मूड्स, etc. कैन बी एडिट बाय एनी HEX एडिटर, ठीक है, किसी भी एडिटर से हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका डिसएडवांटेज भी बताऊँगा कि कुछ लोग इसको एडिट करते हैं तो उनको क्या एरर जो अपेयर होता है, वो कौन सा एरर और कैसे उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। मोस्टली व्हेन वी एडिट इंग्लिश फाइल इन दिस फाइल गुड एरर लाइक स्ट्रिंग टैक्स मिसिंग, इस तरह से आपके सामने कुछ टैक्स आता है, या आएगा स्ट्रिंग टैक्स 13, इस तरह से मिसिंग का कोई एरर आ जाता है जब भी आप इंग्लिश फाइल को एडिट करना चाहते हो।
ठीक है, जो एडिट करना जानते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वो एडिट करते हैं तो उनका कुछ जगह से ना टेक्स्ट हिडन हो जाता है और उसकी जगह पर ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से परफेक्टली तौर पर हम इसको एडिट कर सकते हैं वो आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। हेयर इज मेन टेक्स्ट इन इंग्लिश फाइल वी टू मोस्टली रिप्लेस, जो हम ज़्यादातर एडिट करते हैं, जो पैच बनाते हैं, उनको कौन कौन से टैक्स रिप्लेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको दिखाया था जौन सा, ये पहले वाला, उसके बाद गेम मोड, डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो भी मैंने बताया था, ठीक है, उसका कोड मैंने दिया है कि इस जगह पर इसके जो ऑफसेट होंगे ना वो उसका नंबर ये दिया हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हेयर इज़ इंग्लिश फायर कोड इजी टू फाइंड इन फ्रेश लिस्ट, ये उसका कोड है। ठीक है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है या अपनी फ्रेश लिस्ट को ओपन करना है। थोड़ा सा बॉटम में आएंगे ना तो ये आपको फाइल यहाँ से मिल जाएगी, इसका कोड आपने कॉपी करना है। ठीक है, इंग्लिश फाइल में आना है और सॉरी बिग फाइल में जाना है आपने, ये बिग फाइल है, इसमें मैं आता हूँ, यहाँ से मैं सर्च करवा देता हूँ ये टैक्स, तो आपके सामने ये फाइल आ जाएगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ और डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल आपने HEX एडिटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी ये पैच मेक करते हैं वो सिंपल आपको मैं बताता हूँ उनकी गलती क्या होती है, मिस्टेक कहाँ पे कर जाते हैं तो वो एरर आता है। वो सिंपल यहाँ पे क्या पता है क्या करते हैं, यहाँ से मेन ये देखिए, ये हमारा पहला वो टैक्स, ठीक है, जो गेम के अंदर फर्स्ट लाइन पर आपको नज़र आता है, ये वो क्या करते हैं, सिंपल इस पर रख के ना यहाँ पे और बैक स्पेस प्रेस करते जाते हैं और फिर अपना डायल करते हैं या स्पेस दे देते हैं तो वो एरर आता है। तो इस तरह इसको कभी भी हमने क्या नहीं करना रिप्लेस, इसको जो बेस्ट ऑप्शन है ना रिप्लेस करने का वो यही है कि आप इस 2006 से आगे इसको कॉपी करो, ठीक है, या इतना ही आप कॉपी कर लो। ठीक है, आप चाहो तो सारा कर, मैं सारा ही आपको करके बता दूंगा कि आपको ना कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो अभी शॉर्ट की है यहाँ पे Ctrl H, या सिंपल सर्च में जाओ और रिप्लेस, Ctrl H जो है इसकी शॉर्ट की है। तो यहाँ पे आप आओगे ना तो ये देखें मैंने कॉपी किया तो ऑलरेडी यहाँ पे वो खुद ही आ गया। इसको ये है जी बेस्ट मेथड टू रिप्लेस परफेक्ट इंग्लिश फाइल टैक्स। ठीक है, ये है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप करोगे इसको एडिट यहीं से ही करोगे तो एडिट तो हो जाएगा एक आधा वर्ड, लेकिन बाद में आपको परेशानी होगी, किसी जगह पर स्ट्रिंग मिसिंग का ऑप्शन आ जाएगा, किसी जगह पर क्या एरर आएगा, किसी जगह पर क्या। लेकिन अगर एरर विदाउट एरर चाहते हो तो आपको बेस्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 2017 MM, मैं अपने स्टूडियो का नाम डालता हूँ स्टूडियो, और आगे मैं लिख देता हूँ डॉट डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर वही ऑल राइट सी। ठीक है, आगे मैंने आगे वाला जो ये लफ्ज़ है ना वो वैसे ही लिख दिया, बस मैंने रिप्लेस करना था इसको। आप सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना और यस ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से क्या करो, सेव कर दो। अब जितना हमने रिप्लेस किया अब इसको हम चेक करके देखते हैं, इस फाइल को आपने कॉपी करना है और अपने गेम के फोल्डर में ला के पेस्ट कर देना। अब हम चेक करते हैं इसको, ठीक है, कि हमारा जो भी हमने कुछ टेक्स्ट चेंज किया है मेन पर तो वो वर्क करेगा कि नहीं। मोस्टली तो एरर आता है क्योंकि वो गलती ऐसे करते हैं, वो एडिट करते हैं, बैक स्पेस करते हैं और अपना टेक्स्ट डालते जाते हैं, ऐसे नहीं करना। आपने फाइंड एंड रिप्लेस वाला मेथड अपनाना है, उसके ज़रिए कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आपके सामने ये देख सकते हो फ्रंट पर, ठीक है, 2017 DMM स्टूडियो ऑल राइट रिसीव्ड आपके सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने चेंज करूँगा सारा, ये इस पर आता हूँ, ठीक है, गेम मोड्स पर ओके। तो मैं गेम को यहाँ से क्लोज करता हूँ, हो जाओ
दोबारा से एच ई एक्स एडिटर को ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं इस गेम को सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद जी अगर नीचे आप आएंगे तो गेम मोड्स या आप सिंपल गेम पर आप याद रखो उसके स्पेलिंग आप यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस कर लो। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ कंट्रोल एच दबाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ जी सॉरी गेम्स, गेम्स मूड ही होगा सारा ये थी गेम, खाली गेम गेम मूड्स। अब मैं इसको अगर फाइंड करता हूँ यहाँ से तो ये देखिए उसने हमें बता दिया कि ये पड़ा हुआ, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ, हमें यहाँ पे पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2017 डाल देता हूँ, ये देखें, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से रिप्लेस, सॉरी ये तो मैंने फाइंड कर दिया, रिप्लेस प्रेस करना था। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, उसको ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, गेम मूव्स फाइंड करते हैं सबसे पहले, ये ऑलरेडी हो गया नहीं हुआ, स्पेलिंग आपने करेक्ट लिखे हैं, ठीक है, अदरवाइज आपका जो गेम है ना वो क्रैश कर जाएगी या कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी देखिए ये वर्क नहीं ना करे, आपके पास अगर कुछ छोटी मोटी गलती तो आपने दोबारा से क्लोज करना है, सॉफ्टवेयर एडिटर को ऑन करना, फिर से कंट्रोल एच, गेम मूव फाइंड करना, तो ये देखिए फाइंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है रिप्लेस करवाना, ये अब रिप्लेस पर क्लिक करना है आपने, ठीक है, तो ये रिप्लेस हो गया, सेव। मैं इसको गेम को दोबारा से इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है, सॉरी मैंने कॉपी कर लेता हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से रिप्लेसमेंट करनी है टेक्स्ट की, तो आपको तो पहले टेक्स्ट पर ही पता चल गया होगा। तो देखते हैं, ये देखें आपके सामने पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया गेम मोड की जगह पे हमने ये डाल दिया, ठीक है। इसी तरह आपने सारे टैक्स याद रखने हैं, ये देखें ऊपर भी अब आ गया सारे टैक्स याद है। डोमेस्टिक को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बस डोमेस्टिक जो फाइंड करना है ना, डोमेस्टिक के आगे आप स्लैश डाल के पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया डाल दो, या खाली इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे आपने रिमूव करना है मैं आपको भी बता देता हूँ। सब अपने डोमेस्टिक के स्पेलिंग याद कर लेने, यहाँ से गेम को मिनिमाइज करता हूँ, दोबारा से अपनी फाइल को ऑन करते हैं एडिटर की मदद से। अब अपने सिंपल कंट्रोल एच और यहाँ पे आपने जी डोमेस्टिक डालना है। अब ये देखिए मैंने यहीं से मैं डोमेस्टिक के स्पेलिंग जो करेक्ट हैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर करेक्ट स्पेलिंग हो गए तभी ये फाइंड करेगा, अदरवाइज ये नहीं आपको ढूंढ के देगा, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक आया ये आपने रिप्लेस नहीं करना, आपको थोड़ा सा इसमें वर्क करना पड़ेगा सर, ठीक है। वर्क कैसे करना पड़ेगा कि आपको करेक्ट फाइल ढूंढनी पड़ेगी, अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा जो डोमेस्टिक है वो रिप्लेस नहीं होगा। यहाँ पे एक ये देखें जहाँ पे आपको नज़र आए ना ये शारजा जे, ठीक है, इसको आपने सर रिप्लेस करना है, यही होगा आपका डोमेस्टिक का ठीक करेक्ट, अदरवाइज जो आप डोमेस्टिक डालोगे वो नहीं आएगा। तो इसकी जगह पे मैंने यही रिप्लेस करवाना है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ इसको रिप्लेस, ओके, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको डाल के प्ले करके देखता हूँ गेम को, मैंने कॉपी किया इसके अंदर आके दोबारा से पेस्ट किया, गेम को प्ले करता हूँ, ये बार बार क्लोज करके ऑफ करके इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बार बार पता चल जाए, मेथड एक ही है, बस आपने अपना टेक्स्ट जो डालना है वो उसके करेक्ट स्पेलिंग होने चाहिए, जो फाइंड करना है स्पेशली जो फाइंड करना है उसके स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए जो गेम के अंदर यूज हुए हैं, तभी वो फाइंड करेगा सॉफ्टवेयर, अदरवाइज नहीं। आपके सामने देखिए मैंने जितने भी टेक्स्ट अभी एडिट किए हैं किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। अब मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक की जगह पे भी हमारा जो करेक्ट डोमेस्टिक था उसको हमने अभी ढूंढा है ना, तो आपके सामने वो भी चेंज हो गया, ठीक है। इसको मैं ऑन करता हूँ। अब हमने क्या करना है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भी आप एडिट कर सकते हो,
तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को एडिट करने के लिए मैंने, अब मैं दोबारा से गेम को प्ले नहीं करूँगा ठीक है, क्योंकि मैं सारा अभी एक दफ़ा रिप्लेस करके आपको दिखा दूँ ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो कोड है वो ये है, या सिंपल आप इसी को कॉपी कर लो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, और दोबारा से एच ई एक्स सॉफ्टवेयर को ऑन करो, कंट्रोल एच पर आ जाओ, अभी वही पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया डाल देता हूँ ठीक है। ये जैसे कि ये है मेरे पास पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कंट्रोल एच इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ जी पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और रिप्लेस ठीक है, रिप्लेस हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये मैंने लास्ट किया है ठीक है, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, मैं इसको बाकी जितना भी टैक्स होगा मैं खुद एडिट कर लूँगा। ट्यूटोरियल लंबा हो गया है तो मैं इसको यहीं पे ही आपको सिखा तो मैंने दिया ना किस तरह से आपने टैक्स फाइल को एडिट करना है, जितना भी टैक्स यूज़ हुआ होगा गेम के अंदर जहाँ कहीं भी है वो सारा का सारा ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं अभी जो हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का एडिट किया है ठीक है। ये देखिए फर्स्ट टाइम पर जो आपको नज़र आ रहा है इसको हमने एडिट किया, उसके बाद गेम मोड को एडिट किया ये वाला ये, उसके बाद ये डोमेस्टिक को एडिट किया, और डोमेस्टिक के बाद ये देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को एडिट किया जहाँ पे हमने अपना पाकिस्तान टूर ऑस्ट्रेलिया डाल दिया ठीक है। अब मैं आगे नहीं चेंज करूँगा, बस आपको मेथड बताना था। ये देखें ऊपर भी वही आ गया ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं बाकी ये दोनों को एडिट कर लूँगा, आपने बिल्कुल उनको ढूंढ लेना है कंट्रोल एफ फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से ठीक है, और रिप्लेस करते जाना है अपने टैक्स को, इंशाल्लाह कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर आए या कोई और मसला हो तो आप कमेंट्स बार में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम आई ठीक है। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो और छोटी छोटी जो इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर उसको हम एडिट करना सीखेंगे। अभी तो हमने जो स्टेडियम के अंदर जो होते हैं टेक्सचर उसका होता है, स्टेडियम के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं उसको हमने किस तरह से बनाना, अभी हमारा काम काफ़ी पड़ा हुआ है लेकिन हो भी गया है, आधे से ज़्यादा तो हो ही गया, बस कुछ ये स्टेडियम वाला रह गया और उसके बाद जो मेन मेन ही होता है वो वाला, इस तरह के छोटे छोटे काम रह गया है, फील्ड को सेट करना, फील्ड के अंदर जो भी जितने प्लेयर होते हैं उनको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करवाना कहाँ पर रखना, उसके बाद गेम को किस तरह से हार्ड करते हैं वो हम सीखेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ठीक है। सो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।